अगली खबर में बात करते हैं छतरपुर की, जहां बिजावर तहसील के सटई थाना क्षेत्र के ग्राम कसार एवं नवलगंज के बीच का हिस्सा जहां रेत माफियों ने रेत का डंप लगा रखा है और यहां रात के अंधेरे में रेत चोरी का खेल चलता है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि रेत माफियों द्वारा रात के अंधेरे में वहां लगे अवैध रेत के डैम से डंपर में रेत भरी जा रही थी। उस वक्त वहां डंपर का ड्राइवर मृतक राजेश सिंह उम्र 32 वर्ष भी मौजूद था। वहीं डंपर के ऊपर से हाई टेंशन विद्युत तार निकला हुआ था। ड्राइवर द्वारा डंपर के ऊपर चढ़कर रेत को लेवल किया जा रहा था, जिससे उसे जोरदार करंट लगा और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना का हल्ला सुनकर ग्रामवासी इकट्ठा हो गए। तभी रेत माफिया द्वारा डंपर को लेकर भागने की कोशिश की गई तो ग्रामीणों ने रेत माफियों का रास्ता रोक दिया और मौका देखकर रेत माफिया डंपर को खाली करने में सफल हो गया। देर रात होने के कारण पुलिस द्वारा रात में ही मौके पर पहुंचकर कार्यवाही को अंजाम दिया गया और मौके से सबको अपने कब्जे में लेकर सटई स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर द्वारा पोस्टमार्टम कर सब परिजनों को सौंप दिया गया है। आखिर इन रेत माफियों पर प्रशासन की नजर क्यों नहीं जाती है? किसके संरक्षण में यह अवैध रेत खनन का खुला खेल चल रहा है? वहीं परिवार के लोगों ने आरोप लगाया है कि क्षेत्र भर में रेत माफियों को विधायक राजेश बबलू शुक्ला का खुला संरक्षण मिल रहा है और धड़ल्ले से यह कारोबार चल रहा है। क्या नाम है तुम्हारा? राहुल सिंह। और तुम्हारा? राहुल सिंह। अच्छा, और तुम्हारे लड़के का नाम क्या था? राजेश सिंह। क्या काम करता था? ड्राइवर। और किसकी गाड़ी चलाता था? मुकेश सोनू पटेल की। किस काम में चलती थी उसकी गाड़ी? बालू की। अच्छा, और कौन से गांव के हो? श्यामरा पंचायत। अच्छा, कल कितने बजे फोन आया कि कहाँ गया था वो? कल वो कसार गए थे, सोनू पटेल का फोन आया 6-7 बजे। हाँ। और उनने फोन करके बोला कि गाड़ी ढूंढने आ जाओ। हाँ। भाई साहब इधर से 6-7 बजे निकल गए। हाँ। तो उधर पहुंचे उनकी मनोज यादव और पुष्पेंद्र महाराज के डैम पे। हाँ। जहाँ बालू भर गई थी। हाँ। उधर पहुंचे सो राजेश पटेल की जीसीबी से भाई डंपर भरो। हाँ। लोडिंग भाई। हाँ। और फिर उनने भाई इसके लोडिंग जैसी भाई लोडिंग भाई सो फिर कंपनी वाले आया, उन्होंने गाड़ी रोकी 10,000 वर्ल्ड की नेचर लाइन वाली गाड़ी खाली खड़ी करवाई। हाँ। और फिर भी ऊपर चढ़ी हुई बात कर भी गिलाने। हाँ। सो करंट लग के उनकी मृत्यु हो गई। हाँ। और फिर कंपनी वाले ने गाड़ी खाली करवा दी और भाई यहाँ नीचे डाल दो। हाँ। और गाड़ी ले जा रहे थे तब गांव वाले ने रोकी। हाँ। सुबह कह रहे थे कि हम विधायक की धमकी दे रहे थे, विधायक से फोन लगवा है और गुंडा बलवा है। हाँ। लड़का बलवा है। फिर सटाई की TI साहब आया, उन्हें रिपोर्ट करवाई और हमने PM के लाने बोलो, उनने PM नहीं करवा। और इस पर सर छोटी छोटी टीम हमने PM के लिए बोला तो उनने PM नहीं किया और रिपोर्ट दई उनने खाली। और हम इस पर कार्रवाई चाहते हैं और न्याय चाहिए। हमारे 3 भतीजे हैं, भरण पोषण का कोई साधन नहीं है। तुम्हारे यहाँ गाड़ी मालक आया कि नहीं आया? नहीं आया था। ना कोई फोन लगाया? ना उसने फोन लगाया, उसके पास फोन लगाया था, उसको उल्टा उल्टा बता रहा था कि मेरी गाड़ी अलीपुरा में है, कहीं और गाड़ी धरी थी कसार में है सर गाड़ी, और सटई थाने में गिरफ्तार हो गई गाड़ी, जब्त है वहीं पे खड़ी है। अभी जो लोग डैम चला रहे हैं वो विधायक के संरक्षण वाले हैं और फिर इसको दबाना चाहते हैं, और विधायक की धमकी दे रहे थे कि हम गुंडों को बुलवाएंगे और लड़कों को बुलवाएंगे और तुम्हारी मारपीट कराएंगे। हम अपना जिला OBC में रखेंगे और प्रदेश से मांग करेंगे। हाँ, पुलिस थाना सटई द्वारा एक मृतक राजेश सेन उम्र जिसकी लगभग 32 वर्ष थी, उसको पोस्टमार्टम के लिए लाया गया था, उसका पोस्टमार्टम कर दिया गया है और उसकी मृत्यु इलेक्ट्रिक करंट से हुई है। ठीक है।